तो चंद्रताल फट फट गई। It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. And I should let it be. But I'm gonna dive, dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. ये कुछ ऐसा कि हमने टमाटर भी गिरा दिए थे और ये इनके हाल खराब, इनके हाल कुछ खराब हो गया और ठंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने गैस स्टोव की मदद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाहर बहुत ठंड है, हम टेंट के अंदर घुसे हुए अभी, और हमने सारा का सारा, हम इतना सारा सामान हम बाइक पे लेके आए हैं। और ये हमारा खाने का काम है। अभी हम इनको धोएंगे टमाटरों को, बेसिक के नीचे गिरे थे बट यहाँ पे सब चलता है। इनको धोएंगे और इनको हम बनाएंगे बढ़िया तरीके से। और ये हमारे बर्तन है यहाँ पे, और ये हमारे गैस, और अब हम शुरू करते हैं कुकिंग का काम। बोलो जय माता दी, जय माता दी। चलो चलो। तो भाइयों और इस बंदे की बहनों, हाँ मेरी बहनें सारी होनी बहनें, यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं। ये हमारा खाना बना, यहाँ पे खेती खेती फिलहाल चावल डालते हैं, चावल डाल रहे हैं। ये हमारा पुलाव बन रहा है आलू के साथ। रेसिपी अगर ऐसी जगहों पे फंसे हो तो यही चीज़ हो सकती है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो यही मज़ा है, और रात में कुछ दिखाने लायक है नहीं हमारे पास। ये खाना बना लेते हैं, फिर बनाने के बाद दिखा देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं कि कल का क्या प्लान होगा, क्योंकि आज तो गेड़े गेड़े में ही आए हैं। तो भाइयों अपनी खिचड़ी तैयार है, पुलाव मतलब बोलने का मतलब, बट सीन ये होगा कि ये चावल ही नहीं पके, टेम्परेचर बहुत कम था यहाँ पे, गैस ही नहीं जल रही थी। तो आज कच्चे हैं थोड़े, मतलब अब क्या करें, भूख तो लगी हुई है, ऐसे ही खाना पड़ेगा, दिखा देता हूँ। और एक बात और है, यहाँ पे ठंड बहुत है भाई। गॉड से हमने स्लीपिंग बैग तो लाए हैं, बट देखते हैं कि क्या कीमत बनती है, कैसे सोएंगे। और शक्लें भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक हमें सोना पड़ेगा। बढ़िया, इस टेंट को भी पूरा क्लोज़ करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर वेंटिलेशन है इसकी, सब क्लोज़ करेंगे, और फिर सुबह उठ के शांति से बाहर का टेंट का व्यू बताऊँगा। हमारी पैकिंग हो चुकी है, स्लीपिंग बैग के अंदर मैं घुस गया हूँ, वाइड नहीं है ज़्यादा लेंस, आएगा नहीं। अभी मैं स्लीपिंग बैग के अंदर हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने फिर एक कंबल डाला हुआ, इसके बाद ये ठीक है, ठंड नहीं लगनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए हम पैक कर। ये हमारा स्टोव है, इससे गर्म हो रहे हैं हमारे भाई साहब, गर्म तो होना पड़ना भाई, और अब जुगाड़ करना पड़ेगा। हम भी जुगाड़ कर रहे हैं कुछ गर्म होने का इसी से। तो सो रहे हैं अभी, सुबह ही होगा जो भी होगा। अब आई होप, देखते हैं, रात अच्छी जानी चाहिए, ठंड नहीं लगनी चाहिए, बहुत डाउन टेम्परेचर -7 या 8 होगा यहाँ पे। सो देखते हैं क्या बनता सुबह का। तो अभी रात के बज रहे हैं 3 के लगभग, 3 बजने वाले हैं, और ठंड कुछ ज़्यादा ही होगी, यहाँ पे दिख नहीं रही होगी, पीछे ये जो है जम गया सारा का सारा, और हमारा पानी भी अंदर बर्फ़ जम गया हुआ, इसके अंदर सारा का सारा बर्फ़ जमा, ये थोड़ा पिघल गया अब, क्योंकि हम इस स्टोव का सहारा ले रहे हैं अभी, और ये भी नहीं जल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे। तो चंद्रताल फट के जा रहा है, चंद्रताल में हालत ख़राब है एक्चुअली। अगर आना हो तो मत, 2-3 कंबल एक्स्ट्रा लेके आओ, और ऑफ सीजन में कभी मत आना, 15 तक लॉस था, 15 के बाद मत आना। ऊपर से कोरोना चला हुआ है, कोरोना की वजह से लोग वैसे ही नहीं आ रहे हैं, आए हैं कुछ लोग बट वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हम लोग कुछ और सोच के आए थे,
मैं स्लीपिंग बैग भी लेके आया हूँ, उसके साथ कंबल भी लेके आया था, बट हम यहाँ पे ठंड हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। सो 3 बज गए हैं, अब 2-3 घंटे और गुजारने हैं ऐसे, फिर बाकी सुबह देखेंगे, धूप लगेगी तो धूप में सो जाएंगे बढ़िया, बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या है कि गर्मी तो पड़ नहीं रही है तो मैगी मिल रही है। हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, ठंड की वजह से हम सो नहीं सकते, गैस हमें चला के रखना पड़ेगी। अच्छी बात ये हुई कि हमारे पास सिलेंडर थे, इसकी वजह से पूरा का पूरा टेंट गर्म हो जा रहा है, तो अगली बार अगर ऐसा कुछ सीन हो तो याद रखना, अगर आपके पास गैस है तो बढ़िया, और यहाँ पे बाहर लकड़ी भी नहीं मिलेगी कहीं। बस वो हम मैगी बना रहे हैं, अब उसका सूप बन जाएगा। पानी घुस गया है इसके अंदर और हमने बिसलरी का पानी डाला है इसके अंदर, और ये हमारा बंदा, इसकी भी हालत ख़राब हो गई है, लगी पड़ी है, लगी पड़ी है, और हमारी भी लगी पड़ी है, सबकी लगी पड़ी है। देखते हैं, स्टेटस अपडेट थोड़ी देर बाद करते हैं। और सीन एक ये हो रहा है कि जो इसका गैस सिलेंडर है वो भी ठंडा हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसे भी हमें निकाल के बढ़िया गर्म करना पड़ रहा है, अंडे की तरह गर्म करना पड़ रहा है, कभी नीचे रख रहे हैं उसको अपने और कभी कहाँ रख रहे हैं, तो उसको गर्म करके फिर गैस जल रही है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। चंद्रताल का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा, शायद क्या पता ज़िंदगी भर याद रह जाए। सुबह उठेंगे, ट्राई करेंगे ड्रोन शॉट आ जाए, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, GPS पता नहीं कैच करेगा, ड्रोन शॉट का भी कोई पता नहीं है, वो भी ट्राई करेंगे, बट ठंड इतनी है कि बैटरीज टाइम ही नहीं निकाल रही है। मतलब पावर बैंक था मेरे पास 20,000 mAh का, और वो मतलब उसकी बैटरी 5 मिनट में ही 50% हो गई, अब आप खुद देख लो। तो हालत बहुत खस्ता है, अब मैं मैगी निकाल लेता हूँ, मैगी बना लेते हैं फिर अपडेट करते हैं। ये रही हमारी रात की 3:30-4 बजे की मैगी, टाइम पता नहीं क्या एग्जैक्टली, तो गिलास में खा रहे हैं तो मज़ा आ गया, इसमें 2-2 पैकेट मसाला डाला हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा खाने का। अब खा लेते हैं, अब सोएंगे तो हम दिन में ही सोएंगे, अब पूरी रात सोना नहीं हुआ, पिछले कल भी सोना नहीं हुआ क्योंकि आने के चक्कर में पूरी रात नींद ही नहीं आई, तो ऐसे ही माहौल है। सुबह की पहली किरण निकल गई है, खुशी हो रही है, टाइम भी लगभग 6:07 8 मिनट हुए होंगे, और हमने टाइम इसी के सहारे निकाल दिया कि अब जल भी चला टाइम से, अब भी चलना है मुझे, अभी ऊबर हो गया है, और नींद तो क्या ही आई इतनी ठंड में, बट कुछ हद तक काम चल पड़ा, ऐसा कहो कि नाइट हमने गुजार दी और गर्म रहे इसकी वजह से, नहीं तो बहुत बुरे हाल होने थे। तो अभी धूप लगने देंगे, बाहर निकलने का कोई पॉइंट नहीं है, बहुत ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, -7-8 होगा यहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि चेक नहीं कर सकते, अभी नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ से सिग्नल लास्ट था 50 किलोमीटर पीछे, और अब प्लान काजा का पता करना पड़ेगा, काजा खुला होगा तो, क्योंकि कोरोना करके टूरिस्ट का कोई पता नहीं है, जाने दे रहे हैं नहीं जाने दे रहे, हमारी तो HP नंबर बाइक्स है, बट फिर भी स्टिल पता करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, जब धूप लगती है तब उठते हैं। गड माउंटेन, धूप आ रही है अभी, धीरे 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 नीचे आएगी और हमें फ़ायदा हो जाएगा इसका। अब ज़रा मैं कैंप का दिखा देता हूँ, अभी मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ओढ़ी हुई है क्योंकि ठंड है, तो पीछे हमारा व्यू है, मैं ढंग से दिखा देता हूँ, ऐसे है कुछ, ये हमारा व्यू है, बाइक्स दोनों पार्क हैं, बार बार का व्यू में थोड़ा, अरे हमारे आवारा जी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं कहा था कि सुबह दिखाऊंगा इन सबको, तो ये ध्यान दीजिए, और इसके सराउंडिंग का व्यू, और हमारी गाड़ियाँ, और ये धूप की पहली किरण, और हम थोड़े ऊपर आए हैं,
हमारी बाइक के वगैरह नीचे हैं वहाँ पे, हल्की सी दिख रही है। और पंगा ये है कि ये स्टार्ट भी नहीं हो रही है, ठंड बहुत थी रात को, बैटरियाँ पूरी डाउन हो गई है। यहाँ पे बैटरी ऐसा समझ लो कि कोई भी गाड़ी शायद ही स्टार्ट होगी, धक्का स्टार्ट करना पड़ेगी अभी, फिर ही जा सकते हम कहीं भी। मतलब ठंड की वजह से बैटरियाँ पूरी पूरी ख़त्म हो गई, ना गोप्रो चल रहे हैं ना कुछ नहीं। मतलब गोप्रो की बैटरी मेरी 60% थी और एकदम से ही 14% हो गई, फिर एकदम से 12% हो गई, बट फ़ोन की बैटरी सही चल रही है तो इसी से ब्लॉक कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अब आगे थोड़ा सा जाएंगे चंद्रताल, चंद्रताल के थोड़े सिनेमैटिक्स ले लेते हैं, चंद्रताल आपको दिखा देते हैं थोड़ी बढ़िया करके। हमने फुल पैकिंग कर लिया, टेंट क्लोज हो गया यहाँ पे लगाया हुआ था, बट हुआ क्या है कि मॉर्निंग में बाइक अटक गई है, सेल्फ नहीं ले रही है बिल्कुल भी। ये शायद हो जाए स्टार्ट मेरी की, तो बैटरी पुरानी है थोड़ी, ये तो बिल्कुल सेल्फ नहीं ले रही है क्योंकि टेम्परेचर बहुत, ये भी नहीं ले रही पूरी सेल्फ, बिल्कुल भी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही। ये स्टार्ट हो गई, ये नहीं होगी अब स्टार्ट, इसको धक्का देना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी सेल्फ नहीं ले रही है। रफड़ा बहुत पूरा हुआ है जैसा मैंने बताया, ये स्टार्ट हो गई है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। अब हम इसका जुगाड़ करते हैं। A few moments later. Thousand years later. ठंडी जगहों पे ऐसा ही सीन होता है, हमेशा ध्यान रखना है। अब हम कुछ और ट्राई करने वाले हैं। Later. स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही थी पहले, बैटरी डाउन थी इसकी, तो उसके लिए करना क्या पड़ा हमें, ये जंप स्टार्ट करना पड़ी इसकी बाइक के पास की बैटरी निकाली और तब उसमें डाली, क्योंकि मैंने सेकंड हैंड ली हुई है तो बैटरी का मुझे आइडिया नहीं है कि कब बदली हुई है, पूछूंगा बंदे से। बाकी बैटरी ठीक चल रही है, यहाँ पे विंटर चली, मतलब यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी रात को, तो ऑब्वियस सी बात थी इसकी बैटरी भी डाउन थी, बट ये कुछ सेल्फों में स्टार्ट हो गई थी, बट ये स्टार्ट नहीं हुई, बड़ा इंजन शायद तब पंगा हो रहा था। बाइक यहाँ पार्क हो गई, अब नीचे जाने की तैयारी है, चंद्रताल लेके यहाँ से नीचे दिख रही है मेरे पीछे, नीचे जा रहे हैं, थोड़े से सिनेमैटिक ले लूँगा, फिर यहाँ से प्लान है चलने का, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ये बंदा चाबी के चक्कर में वापस जाने वाला था, तो गया नहीं, बट चाबी इसके पास ही थी, भुलक्कड़ इंसान। ये रही चंद्रताल लेक, अभी का जो टाइम है, आई नो मेरे पीछे सूरज है, पर अभी का जो टाइम है उसमें जो लेक है उसकी रिफ्लेक्शन बड़ी सही आ रही है, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, बहुत सही आ रही है, बाइक और से मैंने फ़ोटो भी लिया उसका, सही। अब देखो रिफ्लेक्शन पानी में कितनी सही आ रही है, और लुक एट दिस वाटर कितना क्लीन है। नहाने की तैयारी में फिलहाल, मैं नहाने की तैयारी लेक में, पीछे तो वार्निंग लगी हुई है, साफ वार्निंग में दिखाता हूँ वहाँ पे। अब यही सीन था कि अगर कोई आ रहा है तो प्लीज मत ना आए, ऑन रोड और नो रोड, व्हाट द फक। दैट्स हाउ वी डू इट। एंड अब मेरे को एक डेंजर सी चढ़ाई बचती है करने को, हाँ।
पहले से ही लंबा कट लेना चाहिए था। चलो कोई नहीं, हो गया। अपनी 390 तो उधर खड़ी हुई है, सुबह इसने बड़ा दुखी किया बट अब ठीक है। अब मेरे को प्यास लगी हुई बहुत गंदी, अब हम सीधे ही नीचे उतरेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो अल्फा H1 पोलो का जो टायर है ना, बहुत सेक्सी भाई, दोनों टायर डाले हुए मैंने इसमें, बट फील मस्त है, फील मस्त है भाई। तो अब हम निकलते हैं, हमारी चंद्रताल का सफर यहीं तक, अब आगे की प्लानिंग देखते हैं क्या बनती है। इन रोडों का सबसे बड़ा रफड़ा पता क्या है, यही धूल में सारे गंदे होने का, और मुझे भी धूल खाना पड़ेगी। क्या पता पास दे दे, आगे पास दे देगा बंदा। गाड़ी के हाल तो ठीक ही लग रहे हैं, पता नहीं टो क्यों कराई, लग गई होगी कहीं नीचे।